ABPS न्यूज। सरकार के अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित रतनगढ़ गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर है। लगभग 1350 की आबादी व 980 वोटरों द्वारा पूरन देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 253 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 4 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 30 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 24 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, 16 सीसी टाइल्स रोड, 2 खडंजे, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं पप्पूराम कोरी, प्रधानपति, ग्राम रतनगढ़, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, यूपी से हूँ। और मेरे यहाँ जितने कार्य हुए हैं, मेरे यहाँ करीब मैंने 6-7 खड़ंजे डलवा दिए, बाकी 5-7 नाले भी बनवा दिए। और मेरे यहाँ कम पैसे पर्याप्त होने की वजह से मेरे यहाँ काफ़ी काम पड़ा हुआ है, जिससे कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर पैसा हो जाए तो हमारे यहाँ कई नाले ऐसे हैं जिनमें 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपये लगेगा। और हमारा पंचायत घर भी ध्वस्तीकरण के लिए खड़ा है, वह जब तक टूट के दोबारा नहीं बनेगा, जब तक वो रहने लायक बैठने लायक नहीं है। और इसी हालत में हमारा समुदाय केंद्र है, जिससे कि वो भी मरम्मत योग्य है। और आगे के कार्य और भी, हमारी बाउंड्री है स्कूलों की, 3-4 स्कूल पढ़ते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, सबकी बाउंड्री वाल है, पटान है, मिट्टी कार्य, और ऐसे ही और भी कार्य निकलते रह रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं, मगर पैसे बगैर हम नहीं करा सकते। और हमारे शमशान भी हैं, जहाँ तक कोई बारिश में या कैसे भी बैठने लायक कोई जगह नहीं है, जिसके कारण हम सब लोग ग्रामवासी सब परेशान रहते हैं, समस्याएं सामने आती हैं। कोई सरकार से घर शिकायत करे वो भी कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी ही कहते हैं कि हो जाएगा, आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। और भी काम है सारे जिसके लिए हम परेशान हैं। हमारी ग्राम पंचायत में अभी हमारे ग्राम शमशान भूमि पर अभी नल तक नहीं लग पाया, कोई वो संस्कार करने के लिए अभी तक नहीं, टीन सेट भी नहीं पड़ पाया, जिससे कि हम लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम तो सभी सरकारों से भी अपील करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और सब गांव खुशी बहाली हो, जिससे कि सब खुश रह सकें, आने वाली पीढ़ी भी हमारी जिससे कि खुश रह सके। हमारे स्कूलों का फर्नीचर होगा तो हमारे प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं उनमें बच्चा ना जाके हमारे सरकारी स्कूल की मान्यता बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे टीचर भी हैं, इतने अच्छे टीचर लाख चले हमारे स्कूलों में हैं, काबिल मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं तो बच्चे फिर टीचर क्या करें, टीचर भी मजबूर हैं।